नमस्कार दोस्तों, 23 फरवरी मंगलवार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सेकंड वीडियो। लोकसभा की बैठकों में गणपूर्ति होती है। कुछ सदस्यों की संख्या का एक बड़े दसवा भाग, कुछ सदस्यों की संख्या का एक बड़े दसवा या 100 सदस्य जो भी दोनों में से कम हो, कुछ सदस्यों का एक बड़े तीन भाग 100 सदस्य। जो राइट आंसर यूपी से 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ए, कुल सदस्यों की संख्या का एक बटे दसवां। संविधान के अनुच्छेद 100 क्लॉज 3 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन संचालित करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति इन दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या की पृथक पृथक 1/10 होती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार नहीं है, प्रेस लाभ प्राप्ति के लिए प्रकाशन करता है। विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही को संचालन का अनन्य स्वामी है। विधानमंडल का सदन न्यायालय है और वह अपनी कार्यवाही तक पहुंच को विनियमित कर सकता है। राइट आंसर यूपीपीसीएस सप्लीमेंट 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर सी, विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अनन्य स्वामी है। संविधान के अनुच्छेद 105 तथा अनुच्छेद 194 में क्रमशः संसद तथा विधानसभाओं के सदस्यों सदनों को अपनी कार्यवाहियों के संचालन तथा कार्यवाहियों के प्रकाशन का अनन्य अधिकार उपबंधित किया गया है। आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत प्रेस को विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, संसद द्वारा किसी व्यक्ति को उसके विशेष अधिकार हरण करने पर दंड देने की शक्ति की प्रकृति है। न्यायिक, अर्धन्यायिक, प्रशासनिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बीआरपीसीए जूनियर फिल्म 2009। राइट आंसर ए, न्यायिक। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को उसके क्षेत्र विशेष अधिकार हनन करने पर दंड देने की शक्ति न्यायिक प्रकृति की है। क्वेश्चन नंबर 4, किसकी संसुस्तुति पर संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवरण किया जाता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर राज्य परिषद। उत्तराखंड जूनियर फिल्म 2009। राइट आंसर ए, वित्त आयोग। आर्टिकल 280 क्लॉज 3 के तहत वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण और आवंटन के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है? राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। झारखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2012। राइट आंसर सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत को समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राज्य आवश्यक समीचीन है तो संसद अर्थात दोनों सदनों भी द्वारा संघ और राज्यों के लिए समृद्ध एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए तो बंद कर सकेगी। इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव तो राज्यसभा चाहता है, परंतु इनका सृजन संसद के दोनों सदनों द्वारा विधि बनाकर ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान पीठ के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम कितने न्यायाधीशों को साथ बैठना होता है? 3, 7, 5, 9, 3, 7, 5, 9। बताइए। बीआरपीसीए जूनियर फिल्म 2009। राइट आंसर बी, 5। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच न्यूनतम 5 न्यायाधीशों के साथ गठित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और 17 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, 20 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, 23 से अधिक अन्य राज्यों से मिलकर अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, 25 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। बताइए जल्दी से। यूपीपीसीएस 1996। राइट आंसर डी, 25 से अधिक अन्य न्यायाधीशों मिलकर बनेगा। भारत संविधान में अनुच्छेद 124(1) क्लॉज 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और 25 से अधिक
अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। इस प्रकार कुल 26 न्यायाधीश होंगे, किंतु वर्ष 2009 में से अंक 25 के स्थान पर 30 प्रतिस्थापित कर दिया है, अतः यह संख्या अब 31 हो गई है। आर्टिकल 124 क्लॉज 3 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता को निर्धारित करता है। मैं भारत का नागरिक हो, मैं कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की राय से, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से जिन्हें वह आवश्यक समझता है, तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय पर। गिव द राइट आंसर। UPBCS 1995। राइट आंसर डी, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के ऐसे न्यायाधीशों से जिन्हें व्यवस्था से समझता है, तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय पर। भारत संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों जिन्हें वह आवश्यक समझता है, तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से ही की जाएगी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की जगह कॉलेजियम व्यवस्था लागू है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में अन्य 4 सदस्यीय समिति कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान पीठ के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम कितने न्यायाधीशों को साथ बैठना होता है? राइट आंसर पी 5। क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके की जाती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम प्रेसिडेंशियल फ्रेंड्स 1999, सर्वोच्च न्यायालय के 3 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके, सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके, सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके कोई भी नहीं। उत्तरांचल पीसीआर 2005। राइट आंसर सी, सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके। इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1999 के मामले में उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने अभिनिर्णित किया कि अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के संबंध में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके ही राष्ट्रपति को अपने सिफारिश भेजेगा।